नमस्कार, आप देख रहे हैं VSM प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। सबसे पहले नजर डालते हैं महाराष्ट्र में। अनिल सूरजी शहर व प्रभाक्रम पासा येथील नवीन पेम सुरू करने बाबत तुम्ही आपले निवेदन प्राप्त झाले आहे, त्याबाबत आपण चर्चा करण्याकरता बुधवार गुरुवारला आपण ऑफिसला येऊन माननीय मुख्याधिकारी साहेबांशी चर्चा करून पुढील आपली समस्या निकाली काढण्यात येईल। ऑल इंडिया MIM पक्षातर्फ से निवेदन प्राप्त हुआ है। आज अंजनगांव सूरजी नगर परिषद को हमने पानी की जो समस्या पूरे अंजनगांव शहर में हो रही है, 2-3 साल पहले से नए पाइपलाइन अंजनगांव सूरजी में डाली गई। इसके पहले हम पानी परोटा पर भी गए थे, उनसे बातचीत किए तो उनका बोलना है कि नगर परिषद के हाथ में है नए कनेक्शन शुरू करना। नगर परिषद का बोलना है कि पानी परोटा के हाथ में है, पूरी शहर की आवाम परेशान हाल है। और पानी परोटा का ये बोलना है कि पुराने बिल भरो, जब जहाँ पर पानी पूरी तरीके से पहुँच ही नहीं रहा, लोगों को रात रात भर जग के 8-10 साल से पानी भरना पड़ रहा। नगर परिषद की भी आंखें बंद है और पानी परोटा की भी आंखें बंद है। हम आज मुख्य अधिकारी साहब को निवेदन देने के लिए आए थे कि पूरे अंजनगांव शहर की जो नई पानी की पाइपलाइन की समस्या है, ये आप 8 दिन के अंदर ये मसले को हल कर दो। अगर आप 8 दिन के अंदर नए कनेक्शन शुरू नहीं करेंगे, नई पानी की पाइपलाइन शुरू नहीं करेंगे, आने वाले अगले हफ्ते शुक्रवार को हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगर फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो उसके आगे भी फिर हम और नए तरीके से आंदोलन करेंगे। और किसी भी हाल में अंजनगांव सूरजी की पानी की समस्या ये हल होनी चाहिए, ये हमारा निवेदन भी है मुख्य अधिकारी साहब को कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेके पानी की जो भी किल्लत आ रही है, जो भी समस्या है, मसले का हल निकाला जाए। पहले तो पुराने कनेक्शन में आज तक के 8-9 साल से पानी नहीं आता, उसकी वजह से नगर परिषद ने नई पाइपलाइन डाली थी। लोग 2-3 साल से परेशान हाल है कि भाई पुरानी नल में भी पानी नहीं आ रहा, और नई जो पाइपलाइन डाली गई कि भाई पुराने नलों में पुराने पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा, इसलिए नई पाइपलाइन डाले थे। लेकिन अब नगर परिषद ने नई पाइपलाइन शुरू नहीं की, 2-3 साल पानी की पाइपलाइन शुरू करने के लिए टाइम हो गया। जो करोड़ों रुपये पानी की पाइपलाइन पर खर्चा किए गए हैं, ये उन्हीं लोगों के हैं जिनको आज पानी की समस्या की तकलीफ हो रही है। ये पैसा आवाम का है, आवाम जो टैक्स भरते हैं वो वसूली करके नगर परिषद ने काम कराए थे, लेकिन ये काम आज पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया गया, पानी की पाइपलाइन शुरू नहीं की गई। प्रशासन दावे करता है कि हम जो है घर घर जो पानी पहुंचा रहे हैं, पूरी समस्या दूर हो गई, तो क्या लगता है आपको? नहीं नहीं इसमें पार्शियलिटी शुरू है। मैं आपको प्रशासन को ये चलकर बता सकता हूँ कि आज भी अंजनगांव शहर के कुछ मखसूस एरिया ऐसे है कि जहाँ पर रात भर नल शुरू रह रहे, पानी रात भर बहते रह रहा, और जो कुछ एरिया है वहाँ पर निगलेक्ट करके उनको पानी नहीं पहुँचाया जा रहा। ये प्रशासन की गलती है या जानबूझ के गलत कर रही है, ये समझ में आ नहीं रहा। अभी जो है आप समस्या लेकर आए, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि पूरे अंजनगांव शहर के हर एरिया में जो नई पाइपलाइन की गई है वो जल्द से जल्द फौरन शुरू होनी चाहिए।